सच साहस सरोकार। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने मोदी का किया स्वागत, पुतिन जिनपिंग की मौजूदगी में सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने लोक भवन में किया पोषण माह का शुभारंभ, बोले लोगों को मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। आबकारी नीति को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, देश भर के 40 ठिकानों पर मारा छापा। प्रयागराज में एक साल बाद खुला ताला, महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले 3 करोड़ कैश और 50 किलो सोना। आपकी मान्यता रद्द की जाए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने चुनाव आयोग से की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के पारस क्षेत्र में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला। अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाए जमींदारों को हटाने के लिए एसडीएम, एससीपी और पारा पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि शकुंतला विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई तहरीर पर यह कार्रवाई की गई। वहीं सरोजनी नगर एसडीएम ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के आला अफसरों के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और साथ ही अपने कार्यकाल की योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है। वहीं पत्रकारों से वार्ता में डिप्टी सीएम ने लखीमपुर की घटना का जिक्र किया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जी, 2014 से आप सब साक्षी हो, 2014 का लोकसभा चुनाव उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा 75 सीटें जीते, 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हुआ, आप लोग 325 सीटें जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के साथ मिलकर लड़े, भाजपा 54 सीटें और 51% वोट प्राप्त किया, 2022 में 400 सीटें जीतते थे, 113 बच्चे बढ़ गए, स्टेशन में है, तनाव में है, दहेज हत्या की भेंट चढ़ी बेटी के लिए इंसाफ मांगने परिवार पहुंचा लखनऊ। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उनकी गर्भवती बेटी को ससुराल वालों ने बुरी तरह मारा पीटा था, जिस दौरान महिला के पेट पर लात मारकर ससुराल वालों ने घर में पल रहे 8 महीने के मासूम की जान ले ली, जिसके बाद घायल महिला की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। परिवार ने बताया कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। इंसाफ की आस लगाए पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस के आला अधिकारियों के न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बहन को 18 तारीख को उनके परिवार ने घर में घुस के मारा, पेट पे लात मारी और उनका बच्चा खत्म हो गया, उनके काफी चोटें थी। उनको थाने हम लेके पहुंचे तो थाने वाले बोले कि हम कोई इलाज करते हैं, डॉक्टर के लेके जाओ। जब डॉक्टर के लेके गए, कहने के बाद में मुकदमा लिखवाना है। जब हम पहुंचे वहां पर मुकदमा लिखवाने तो मुकदमा लिख नहीं रहे थे। नहीं ना, आपकी बहन के साथ क्या हुआ? मेरी बहन के साथ में उसके घर में, उसको मेरे घर में घुस के उसको मारा था सबने। मारा था किस चीज़ को लेकर? शमी, शारिफ और सानिया, अफशां, नाजुक। किस चीज़ को लेकर मारा? दहेज को लेकर। क्या कुछ कह रहे थे? गाड़ी अपाचे मांग रहा था और जो हम लोग उनने किया, पैसे नहीं है तो मकान का लगा नाम करवा दो मेरे। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़े हैं। शादाब, दहेज प्रताड़ना में एक महिला की मौत हो गई और क्या कुछ इसको लेकर अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि ये फरुखाबाद से परिवार लखनऊ आया था, राजधानी लखनऊ में लखनऊ आया था, वहाँ अधिकारियों से मिलने और मुख्यमंत्री से गुहार लगाने आया था, क्योंकि जो ये पीड़ित परिवार है, इन्होंने पुलिस फरुखाबाद पुलिस पे आरोप लगाया है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वो पीड़ित परिवार इसलिए लखनऊ आया हुआ था, लेकिन
वहीं परिवार कल आया हुआ था, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते वो बैरंग वापस लौट गए। और बात ये कहा जा रहा है कि आज या कल में वो फिर टाइम लेके मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम आपको रेंद्री ये बता दें कि ये दहेज का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां उसके पति और ससुराल वालों ने उसके पेट पर लात मार दी, जिससे उसका 8 महीने का जो पेट में बच्चा था वो भी उससे भी डेथ हो गई, और साथ ही जो एक महिला थी उसके पर भी बड़ा जिसके चलते उसकी भी मौत हुई है। अब आपको ये भी बता दें कि डिमांड नहीं पूरी करने की वजह से गर्भवती महिला की इन लोगों ने जान ले ली, और साथ ही मासूम की भी मौत की हो गई, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया है। जी जी पुलिस इस सब मामले में मामला क्यों नहीं दर्ज कर रही थी, शिकायत उनका क्यों नहीं दर्ज कर रही थी? देखिए नंदित सिंह, बता दूं कि जो परिवार वालों का आरोप है वो साफ तौर पर पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही थी। अगर वहाँ वो थाने भी जाते थे तो थाने वाले उनको भगा देते थे, जिसके चलते आज कल वो राजधानी लखनऊ में मौजूद थे, लेकिन वो किसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से नहीं मिल पाए थे, जिसके चलते उनको बैरंग लौटना पड़ा। तो अब बताया ये जा रहा है कि परिवार वाले फिर एक बार अब लखनऊ आने की कोशिश कर रहे हैं, लखनऊ आएंगे, वो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी गुहार लगाएंगे। अब यही देखने वाली बात होती है कि कब इनकी सुनवाई होती है और कब ये अधिकारी नींद से जागते हैं कि इन महिला की मदद कर सके। शारदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि छात्रों ने छात्र संघ भवन से मशाल जुलूस निकालकर पूरे कैंपस में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र बढ़ी हुई फीस की वापसी की मांग पर अड़े हुए वो ये जुलूस विश्वविद्यालय से होते हुए चंद्रशेखर आजाद पार्क पर जाकर सभा में तब्दील हो गया, जहाँ छात्रों ने आजाद की प्रतिमा पर विश्वविद्यालय प्रशासन से बढ़ी हुई फीस वापस न मिलने पर आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिस तरीके से छात्रों को शिक्षक साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उसको लेकर आज उसी के मुद्दे को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को सैकड़ों बार ज्ञापन दिया गया, सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं देगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 बढ़ी हुई फीस वृद्धि के खिलाफ लगातार छात्र पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। हम आपको बता दें कि हम सैकड़ों बार, चाहे इलाहाबाद विश्व प्रशासन हो, चाहे UGC रहा हो, चाहे MHRD रहा हो, लगातार हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से भी, मैं खुद UGC में गया, UGC MHRD गया, लगातार वहाँ के अधिकारी बात, परंतु उसके बाद भी कोई भी इनके कानून जू नहीं रेंग रही, लगातार छात्रों की तबीयत लगातार खराब हो रही, उसी का जो आक्रोश का नतीजा है, इनके भ्रष्टाचार का नतीजा है, इनके तानाशाही का नतीजा है कि आज छात्र मशाल जलाने पर जला रहे हैं। बुलंदशहर में स्वाट टीम और पुलिस की कुख्यात गौवंशों से मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान क्रॉस फायरिंग में 2 गौवंश घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार गौवंशों के पास से एक गाड़ी, 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस, गौवंशी के उपकरण और अवैध असलहे भी बरामद हुए। पकड़े गए बदमाशों की पहचान कर ली गई, साथ ही घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीती रात असुहा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसके बाद से गांव में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से नीचे सो रहे 2 सगे भाई और एक बहन की दबकर मौत हो गई। जानकारी पर गाँव के लोगों ने तीनों शव को किसी तरह बाहर निकाला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही SDM, CO, SO सहित क्षेत्रीय कानून गो और लेखपाल भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, उसके कारण कच्चा मकान गिर गया है। ज्ञान प्रकाश जी का मकान है, इनके 3 बच्चे जो है उस मकान में दब के मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। पूरा मकान कच्चा था और मकान गिर गया, उसके कारण 3 बच्चे, रात में घर करीब 3 बजे की घटना है, 3 बजे के आसपास पूरा मकान गिरा, 3 बच्चे उसी में सोए थे, दब के मौके पर मृत्यु हो गई है इनकी। आपकी तरफ से
पीड़ित परिवार को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? की जाएगी। प्रशासन में मृत व्यक्तियों के दैवी आपदा के अंतर्गत जो एक व्यक्ति पर 4 लाख रुपया दिया जाता है, उस हिसाब से पूरी सहायता दी जाएगी। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चैतन्य हमारे साथ जुड़ेंगे। चैतन्य, भारी बारिश के चलते कच्चा मकान के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, और क्या कुछ इसको अधिक जानकारी लेकर सामने आ रही है? जी, बताना चाहूंगा कि एक ये बड़ी घटना बताई जा रही है, और जो जनपद उन्नाव की ये बड़ी घटना जो है थाना असोहा क्षेत्र की है। अगर 2 दिन से बारिश हो रही है वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन एक गरीब परिवार कच्चे मकान में रह रहा है, और जहां सरकार लगातार कह रही है कि नहीं सबको जो है पक्के घर मिल रहे हैं, पक्के आवास मिल रहे हैं, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जहां पे ऐसी घटना अगर हो सकती है तो वहां पे जो मौके के जिम्मेदार थे वो वहां पे कितना पहुंचे। अब खाना पूर्ति जो पूरी तरीके से देखी जा सकती है, जो की जा रही है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे, अंकुश और उन्नति, जो महज 4 और 6 साल के थे, बेटा अंकित जो 20 साल का था, जब यहाँ पे तीनों की जो है मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वहां पे जिम्मेदार पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो है कई प्रकार के आश्वासन दिए जा रहे हैं। लेकिन जो कई बातें इसमें सामने आई है कि समय रहते अगर इन लोगों को पक्का आवास मिल गया होता तो शायद किस तरीके की घटना ना हुई होती। जी चैतन्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में टीकाकरण के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जहां कोरोना के वैक्सीन और बूस्टर डोज अभियान में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। यहां बिना वैक्सीन लगे ही मैसेज और सर्टिफिकेट जारी कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तहसील में कोरोना के वैक्सीनेशन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों में ऐसे कारनामे आए दिन सामने आ रहे हैं। विगत 10 सितंबर को मेरे पास एक मैसेज आता है, कोरोना को वैक्सीनेशन को लेकर मेरे पास मैसेज आता है, उसमें एक लिंक भी रहती है, मैं उसे ओपन करता हूं तो वहां मेरे तीनों फर्स्ट सेकंड और बूस्टर तीनों डोज के सर्टिफिकेट ओपन हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, मैंने केवल फर्स्ट और सेकंड डोज ही लिया है, बूस्टर डोज मैंने अभी नहीं लिया है। उसका भी मैसेज मेरे पास 10 तारीख की रात 10:03 पर आता है और सर्टिफिकेट भी उसका डाउनलोड हो जाता है। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान भागने की कोशिश कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों के कब्जे से लूट और चोरी की 2 मोटरसाइकिल, अवैध हथियार, कई जेवरात बरामद कर लिया गया। इसके अलावा एक बदमाश भागने में भी कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। मामले पर CO बताया कि गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं, इनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, इनके और साथी अपराधी की खोज की जा रही है। थाना लोनी बॉर्डर और SOG देहात की टीम के द्वारा लालबाग चौकी लालबाग तिराहे पर चेकिंग किया जा रहा था, और एक टीम के द्वारा मूवी मैजिक तिराहे पर चेकिंग किया जा रहा था। सुबह के समय होने वाली वारदातों को रोकने के लिए SSP गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार जगह जगह बैरियर लगा करके चेकिंग की जा रही है। युवाओं में दिखावे का चलन काफी बढ़ गया है, खासकर बॉडी बिल्डिंग के नाम पर युवा कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते। इस क्रम में अलीगढ़ में बहुत सी जगह पर जिमों का संचालन किया जा रहा है, जहां शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त बनाने के लिए युवा जिम में सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं, जिन सप्लीमेंट के हाई डोज की वजह से बहुत से युवाओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। मगर हमारे जिम में ये नहीं है, हमारे जिम में देसी चीज़ है और अपनी मेहनत और लगन से बंदा तैयार होता है। तो उस पाउडर का आखिर बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? इफेक्ट ये पड़ता है कि लोग जब तो नॉलेज नहीं होती, लेने के बाद जब ले लेते हैं बाद में इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। देखो सर, आजकल जो लड़के हैं ना उनको शॉर्ट कट यानी 1-2 महीने बॉडी चाहिए होती है, चाहते हैं कुछ भी इस्तेमाल करें लेकिन हमारी बॉडी बन जाए। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि फूड खाना बहुत ज़रूरी है, अपना जो देसी खाना है जो सालों से चला आ रहा है, दूध हो गया, बादाम हो गया, पनीर हो गया, इन ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए। बाकी लड़के क्या कर रहे हैं, जो दवाएँ इस्तेमाल करते हैं जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर, वो नुकसान है, उनसे दूर रहें।
अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव टंडोली में जंगल में शौच के लिए गई एक बच्ची और युवती लुलुहान अवस्था में मिली। वहीं गांव के रहने वाले एक युवक ने घर वालों को बताया कि बच्ची जंगल में लुलुहान अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिससे सूचना मिलने पर उसके घर वालों घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं घर वाले और पुलिस बच्ची को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। SPRA ने बताया कि घटना की जानकारी की जा रही है, साथ ही घटना की जाँच की भी शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा एक बच्ची को हमारे यहाँ लाया गया है, जिसमें हमें पता चला है कि ये बच्ची अपनी बुआ के साथ खेत पर शौच के लिए जा रही थी। तभी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इस बच्ची पर किसी धारदार हथियार से उन्होंने जानलेवा प्रहार किया। संदर्भ में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें दो अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात महिला द्वारा हमलावर होना बताया गया है। बच्ची और बुआ दोनों की तबीयत अब सामान्य है और वो खतरे से बाहर है। तहरीर पे थाना छात्रा पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।